भिंडी की सब्जी तो बहुत से लोग कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल अनोखे तरीके से आपको सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। इस सब्ज़ी को मैंने भी कहीं खाया था और मुझे बहुत पसंद आई। मुझे पता ही नहीं चला क्या चीज़ की सब्ज़ी है, जब मैंने उसे अंदर से खाया तो पता चला ये तो भिंडी की सब्ज़ी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। चलिए तो ये सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें भिंडी चाहिए। तो मैंने देखिए ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो भिंडी ले ली। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। हो सके तो आप भिंडी जो थोड़ी मोटी साइज़ वाली लीजिए, कच्ची हो लेकिन मोटी मोटी वाली एक भिंडी होती ना वो लीजिएगा, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और देखिए इसकी हमें कटिंग करनी है, तो इसकी किनारी काट लीजिए, फिर इसमें से आप थोड़े बड़े बड़े पीस काटिए, छोटे छोटे पीस ना काटिएगा, थोड़े बड़े बड़े काटिए तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अब देखिए सब्ज़ी की ये खूबी है कि आप 250 ग्राम भी अगर भिंडी लेते हैं ना, कढ़ाई भर के आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी, 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। और देखिए सारी भिंडी मैंने काट ली, अब इसमें चलिए कुछ सामग्रियां डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, तो मैंने नाप के इसमें 1 कप बेसन डाला है, 1 कप से थोड़ा सा कम है। और ये 1/4 चम्मच इसमें सोडा डाला है मैंने, 1/2 चम्मच अजवाइन डाल लेते हैं, और ये इसमें 1/2 चम्मच ये हल्दी पाउडर डाला है मैंने, लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है 1/2 चम्मच, और इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। और अब इन सब चीज़ को डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी हमारी भिंडी तो सूखी है और ये जो हमने चीज़ें डाली ये भी सब सूखी है, तो इसको ना हमें थोड़ा सा पानी डाल के गीला करना है, जिससे कि भिंडी पे ना ये जो मसाले हमने डाले हैं, बेसन डाला है, इसकी कोटिंग अच्छे से आ सके। आप इस सब्ज़ी को चाहें तो ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, थोड़ी पतली ग्रेवी की बना सकते हैं, गाढ़ी ग्रेवी की भी बना सकते हैं, या आप इसके जो है ना ड्राई सी सब्ज़ी होती है वो भी बना सकते हैं। जैसी आपको पसंद आए वैसी बना सकते हैं, चावल से, रोटी से, किसी भी चीज़ के साथ इसे खाइए, बहुत अच्छी लगती है। अब चलिए वो मिक्स करके हमने भिंडी को रख लिया। अब एक दूसरा बाउल ले लिया, इसमें मैंने ना 1/2 कप दही डाला है, और ये देखिए बहुत खट्टा दही नहीं है, थोड़ा सा खट्टा दही है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल लिया है, इसमें छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाला है, और 1 चम्मच जीरे का पाउडर भुना हुआ डाल लिया है, इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर लिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है, और इसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला, और इसी वक्त मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ। तो मैंने देखिए 1/2 चम्मच नमक डाल लिया है, और इसको हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं दही के साथ। तो देखिए दही के साथ हमने अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लिया, अब इसे रख लेते हैं। और मैंने कढ़ाई में तेल पहले से चढ़ा लिया था, अब जो हमने ना कोटिंग करके रखी थी ना भिंडी की, उसके हमें पकोड़े बनाने। तो जैसे आप पकोड़े डालते हैं, एक एक दो दो करके डालते जाइए कढ़ाई में, और ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। फ्रेंड्स आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो हम पकोड़े बना रहे हैं भिंडी के, फिर उसके बाद हम सब्ज़ी बना लेंगे, लेकिन आप पकोड़े बनाएंगे ना तो इसकी आप सब्ज़ी जब बनाएंगे तो आप देखिएगा इसका टेस्ट बिल्कुल हटके आएगा। और भिंडी की सब्ज़ी नॉर्मल जो हम बनाते हैं वो तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो ज़रूर इस सब्ज़ी को बच्चे भी खा लेंगे। कई बार हम दूसरे तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो बच्चे जल्दी से खाते नहीं, इसे आप बनाइएगा। और देखिए आप चाहे तो इस तरह से कुछ लोग ना भिंडी के इस तरह से पकोड़े बना के भी स्नैक्स टाइप में खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो सारे पकौड़े मैं इसी तरीके से तल के रेडी कर लेती हूँ। चलिए पकोड़े तलने के बाद मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल रही हूँ, मोटा मोटा काट के डाल लिया है, और 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं, और इसके बाद 2 हरी मिर्च डाल लेती हूँ, इसके बाद 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का ऐड कर लिया है, 7-8 लहसुन की कलियाँ ऐड कर ली हैं, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें धुला हुआ डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें प्याज और लहसुन को अवॉइड कर सकते हैं। अब चलिए पेस्ट पीसने के बाद हम एक कढ़ाई को रख लेते हैं गैस की फ्लेम पे। इसमें 3 चम्मच मैंने देखिए रिफाइंड ऑयल डाल लिए, आप सरसों तेल भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़े से गरम मसाले ना खड़े वाले वो मैंने ऐड कर लिए हैं, थोड़ी सी हींग ऐड कर लेते हैं, भिंडी की सब्ज़ी है तो हींग और अजवाइन डालने से ना बाई नहीं बनती है। और देखिए जो हमने जो प्याज का जो मिक्सचर रखा था ना पीस के, उसको ऐड कर लिया है, और इसको हम भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे भूनिए, भूनने से ना खुशबू भी सब्ज़ी में बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। देख रहे हैं आप प्याज भुनने के बाद कलर कितना डिफरेंट हो गया है इसका। अब इस स्टेज पर हमने जो दही का मिक्सचर रखा ना मसाले मिक्स करके, उसको इसमें ऐड कर लेते हैं, और जिस पॉट में हमने दही रखी थी उसी में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, और पानी को हिला के इसमें डाल लेंगे।
अब जब हम इसमें दही का मिक्सचर डालेंगे तो हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, जिससे कि दही हमारी फटे नहीं। जब इसमें ना बुलबुले से आने लगते हैं ना, जब ये अच्छे से भुन जाएगा ये मसाला दही सब, तब जब आप ऐसे भी छोड़ देंगे ना, नहीं भी चलाएंगे ना, तो दही बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कंटिन्यू इसको भूनते रहेंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, देख रहे हैं आप कलर भी कितना प्यारा आ गया है। और देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है और इसमें खुशबू तो बहुत ज़ोरदार आ रही है इस वक्त। और देखिए इस वक्त अब हमें क्या करना है, अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा हमने चलाया और अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। तो देखिए आपको ना मैंने पहले ही बताया कि ग्रेवी वाली कैसी बनानी, गाढ़ी ग्रेवी की बनानी है उस अकॉर्डिंग डालिए, पतली ग्रेवी वाली बनानी है, चावल रोटी किससे खाना है उस हिसाब से आप इसमें ग्रेवी कीजिए। तो देखिए मैं तो ना इसमें ग्लास, दो ग्लास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, बड़े वाले ग्लास नहीं, छोटे ग्लास से मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। और देखिए इसमें पहले हम ना उबाल आ जाने देते हैं, अभी इसमें आपको अभी कुछ नहीं डालना है। तो देख रहे हैं आप ये उबल रहा है और ये जो हमारी ग्रेवी है ये भी पक रही है। और देखिए मैं ना थोड़ा रसीले टाइप की सब्ज़ी को बनाऊंगी क्योंकि मैं इसे चावल के साथ सर्व करने जा रही हूं। तो जो पकोड़े हमने बनाए थे ना भिंडी के, उसे इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा ना ये उबाल आ जाए ना पानी में, उसके बाद आप डालिएगा। और आप देखिएगा इसमें ना कितनी भी ग्रेवी हो ना तो ये बहुत जल्दी सोखती है, क्योंकि पकोड़े हैं, बेसन है, तो ये पानी को सोख लेते हैं। आपको बहुत देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत जल्दी टूटने भी लगती है इसकी सब्ज़ी। और बस थोड़ी देर, केवल 2 से 3 मिनट पकाइए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। चलिए तो ये पक गई हमारी सब्ज़ी। अगर आपके पास थोड़ी भी भिंडी पड़ी है तो जाइए फटाफट से इसे ट्राई कीजिए बना के, आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आती है, आपको कैसी लगती है इसकी सब्ज़ी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो लाइक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके के मैं नए नए वीडियोज़ अपने चैनल पर लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल पर भी प्रेस कीजिएगा और ऑल पर भी क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने देखा होगा मैंने कितना पानी डाला था पतली ग्रेवी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी देखिए पकोड़ों ने सारा पानी सूख लिया है और ये जो मेरी सब्जी है गाढ़ी सी बन गई है। बहुत बढ़िया लेकिन बनी है, खुशबू ज़ोरदार आ रही है। अब मुझसे तो ना इसको बनाने के बाद सब्र तो हो नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसे खा के ट्राई ज़रूर करूँगी। तो आज मैं इसे चावल से सर्व करूँगी, देखती हूँ चावल से सब्ज़ी कैसी लगती है। फ्रेंड्स जब हम अक्सर भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम रोटी से खाते हैं, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी आप बनाते हैं ना, जब ये पकोड़े वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो आप इसे चावल से भी खा सकते हैं। और चावल से खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने जब इस तरह खाया मुझे तो मज़ा आ गया, मन खुश हो गया, खाने के बाद पेट तो भर गया, मन नहीं भरा। और ये मुझे क्या, सभी को बहुत पसंद आई सब्ज़ी इस तरह से, और सभी ने इंजॉय करके खाया। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बताइएगा आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेके फिर से आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।